खम्मा घड़ी दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे उदयपुर ट्रिप सीरीज के ब्लॉग्स और हम निकल गए हैं उदयपुर के लिए माउंट आबू से। माउंट आबू उदयपुर से 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और आपको माउंट आबू से उदयपुर पहुंचने में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। उदयपुर में फर्स्ट नाइट स्टे के लिए मैंने बुक किया था 4 लाल घाट OTC बाय डाउनटाउन, जिसके विजुअल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप लोग भी उदयपुर में बेस्ट बजट होटल देख रहे हैं, देन दिस इज द होटल दैट यू आर लुकिंग फॉर। ये होटल लेक पिजला और उदयपुर सिटी पैलेस से डिस्टेंस पर ही है। इसके अलावा मेजर साइट सीइंग प्लेसेस भी इस होटल के पास में हैं। ये होटल मैंने उदयपुर आने से 2 दिन पहले ही बुक किया था और इसके लिए मैंने पे किए थे 2200 रुपीस विद ब्रेकफास्ट। ये होटल मैंने अगोडा की साइट से बुक किया था क्योंकि ये मुझे वहाँ पर सबसे सस्ता पड़ रहा था। यहाँ पर 3 कैटेगरी के रूम्स हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव प्लस एंड थर्ड इज प्रीमियम रूम। मैंने बुक किया था अपने लिए एग्जीक्यूटिव रूम। यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिव रूम 2 to 3 के बीच में मिल जाएगा, दैट टू विद ब्रेकफास्ट। तो चलिए अब देखते हैं कैसी है ये प्रॉपर्टी और कैसे हैं इसके रूम्स। अगर आप लोग अपनी पर्सनल व्हीकल लेके जा रहे हैं, स्पेशली कार से, तो आपको अपनी गाड़ी बाहर सिटी में ही पार्क करनी पड़ेगी क्योंकि ये होटल जो है अंदर गलियों में बना हुआ है। इस होटल में लिफ्ट नहीं है और ये है यहाँ का स्टेयरवेज जो काफी नैरो है, इसलिए आप लोगों को केयरफुल होके चलना पड़ेगा। बाकी होटल एक हेरिटेज थीम पर बनाया गया है। ये है यहाँ का फर्स्ट फ्लोर। अब आपको लेके चलते हैं इनके डाइनिंग एरिया में, जो कि है टॉप फ्लोर पर, और उसके ऊपर है इनका अपना रूफटॉप कैफे जहां से लेक पिजला रात को बहुत ही सुंदर दिखता है। ये है यहां का डाइनिंग एरिया जहां से भी आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। अब चलते हैं इनके रूफटॉप कैफे पर, जिसका नाम है ओल्ड टाउन कैफे यानी कि OTC। ये कैफे वैसे तो छोटे एरिया में बना हुआ है लेकिन काफी अच्छा बना हुआ है और यहाँ से उदयपुर का नज़ारा जो दिखता है आपको आनंद आ जाएगा। यहाँ से आप लेक पिजला बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपने दोस्तों के साथ इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं। फूड क्वालिटी एंड सर्विस दोनों ही यहाँ पर आपको अच्छी मिलेंगी। अब देखते हैं यहाँ के रूम कैसे हैं। तो चलिए करते हैं एंट्री रूम में। यह है यहाँ का एग्जीक्यूटिव रूम जहाँ पर मैंने वन नाइट स्टे किया था। रूम जो है साइज में छोटा है, इसलिए यहाँ पर आपको ज्यादा स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो देन आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट अगर आप अपने फ्रेंड के साथ आ रहे हो या फिर कपल हो, देन इट इज मैनेजेबल। रूम को काफी अच्छे से डिजाइन किया गया, साथ में इसके स्पेस को भी काफी अच्छे से यूटिलाइज किया गया है। रूम में अलमीरा, ड्रेसिंग मिरर, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक केटल फॉर टी और कॉफी और बेसिक अमेनिटीज आपको सभी मिलेंगी। एक चीज जो आपको खल सकती है वो है इसका वॉशरूम जो बहुत ही छोटा है, तो वहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो गाइस, अब आपको मिलते हैं मॉर्निंग में और आपको ले चलेंगे रूफ टॉप पर। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ये है यहाँ का रूफ टॉप और कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से लेक पिजला और उदयपुर का नज़ारा। सो यहीं बैठकर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया टू सी दिस लवली व्यू एंड द फूड क्वालिटी वॉज रियली रियली गुड। आई वुड रिकमेंड यू गाइस, अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ का फूड जरूर ट्राई कीजिए। सो ये था 4 लाल घाट होटल बाय डाउनटाउन और उसके बारे में जानकारी। होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए जो भी आप लोगों को पूछना हो या बताना हो, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए मेरे उदयपुर ट्रिप सीरीज के ब्लॉग। थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।